वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी। जी हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस बात का इंतजार 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स को है, 1.5 करोड़ ऐसे अभ्यर्थियों को है जिन्होंने RRB ग्रुप डी का एग्जाम दे दिया है और आगे 17 दिसंबर तक देने वाले हैं। 17 दिसंबर आने में अभी 10 दिन का समय शेष है, लेकिन आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि 99% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हम कहें तो इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यही कट ऑफ आपकी ऑफिशियल कट ऑफ के 99% इक्वल होगी। तो किस क्राइटेरिया से हम इसको जज करेंगे, कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा मेथड है इसमें, क्या यूज होगा, कम क्यों रह सकती है या ज्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी, एग्जाम का लेवल किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किया, कितने कैंडिडेट्स ने, कितने अपियर हुए, सारे फैक्टर हम यहां पर डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक फेयर आइडिया दूंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है RRB के कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया था और उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल आएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, साथ में वीडियो को शेयर कर दें ताकि कोई भी कैंडिडेट मिस ना कर दे इंस्पिरेशनल गुरु जी के इस एक्सक्लूसिव वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रेलवे ने 62,907 भर्तियां निकाली थी ग्रुप डी के लिए। हम आज ध्यान रखें, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ALP की बात नहीं कर रहे। ग्रुप डी की एग्जाम के लिए उन्होंने 62,907 वैकेंसीज निकाली थी, 62,907। ये याद रखना, ये डिसाइड करेगा कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक फैक्टर है उस चीज में। तो 62,907 ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जितने लोगों ने ऑफिशियली अप्लाई किया था वो थे 1,89,00,000 स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही इनॉर्मस फिगर था, बहुत ही मॉन्स्टर फिगर था ये 1,89,00,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं तकरीबन जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, जिन्होंने एग्जाम दिया है दोस्तों और जो दे देंगे एग्जाम आपके 17 दिसंबर तक, वो जो फिल रहती थी, अटेंडेंस जितनी थी वो अराउंड 60-65% थी। यानी इस फिगर का 60-65% आपका बनता है 1.5 करोड़, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ लोग एग्जाम में बैठे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन रहा होगा, 62,907 सीटों के लिए फाइट किया 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन था। जब कंपटीशन टफ होता है तो आप मानकर चलिए कि बोर्ड एग्जाम थोड़ा टफ सेट करता है, लेकिन RRB में कुछ उल्टा हो गया। एग्जाम भी ग्रुप डी लेवल का ही था, इजी टू मॉडरेट था, और वहां पर अब एग्जाम में वो भी एक फैक्टर काम करेगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से, ये जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ ये कैसे आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। कुछ हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं इसके बारे में, जो मेन बातें थी क्या, कुछ मैं आपको बताता चलता हूँ। फिर उसमें दोस्तों क्या हुआ, अलग अलग सेंटर, तकरीबन 400 सेंटर बनाए गए और प्रत्येक दिन 3-4 लाख कैंडिडेट्स में आए एग्जाम देने के लिए। 3-4 लाख, ये बहुत ह्यूज नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है, 3-4 लाख लोग जिन्होंने एग्जाम दिया। और अटेंडेंस 60% जो मैंने आपको पहले ही बता दी, टोटल नंबर जितने दिन एग्जाम चला वो 51 डेज, और 17 दिसंबर उसकी लास्ट तारीख है। तो आपकी कट ऑफ और एग्जाम रिजल्ट जनवरी के महीने में आने की उम्मीद भी है। तो इतने लार्ज स्केल पर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया 62,907 सीटों के लिए, तो उसके सभी हमारे कैंडिडेट्स में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा जरूर है, वो जानना चाहते हैं एग्जाम से पहले ही, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम सितंबर में हो गए थे, जिन्होंने सितंबर में जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उनके लिए दिसंबर जनवरी आना बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। तो वो जानना चाहते हैं और अपने रिसोर्सेज पे, अपने बेस पे वो कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या जाने वाली है कट ऑफ। हम यहां पर उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या जाएगी। हमने पहले सारे फैक्टर हैं वो डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन एक फैक्टर और डिसाइड करना है, डिस्कस करना है, क्या है वो, क्योंकि ओनली 2 टाइम यानी 2 गुना 62,907 सीटों के लिए आपको 1,26,000 पीपल ही वो कॉल करने वाले हैं, यानी 1.5 करोड़ लोगों में से छंटकर सिर्फ 1,26,000 कैंडिडेट्स ही PET के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों कितना जबरदस्त और हार्ड वाला कंपटीशन है। हम इस पूरे को मैं आपको ड्रॉ करके और हमारे एक साइंटिफिक मेथड से आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको दूंगा एक फेयर आइडिया कट ऑफ क्या जाएगी। चलिए बात करते हैं कौन से वो फैक्टर रहेंगे और क्या अपनी कट ऑफ लिस्ट रहेगी। दोस्तों कट ऑफ डिसाइड करने से पहले मैं आपको उसके डिसाइडिंग फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर नंबर 1 रहेगा आपकी वैकेंसीज कितनी थी। वैकेंसीज जो हमें पता है 62,907
907 टोटल वैकेंसी थी। आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, हम सभी मिलकर निकालते हैं कट ऑफ के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट जो बड़ी बात है वो हम डिसाइड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए एग्जाम में। अपीयर मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, टोटल 51 डेज ये एग्जाम चला और अराउंड 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लोगों ने एग्जाम दिया, एक बहुत ही बड़ी संख्या में एग्जाम दिया। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए पर सीट पर कितने कैंडिडेट्स ने फाइट की है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास टोटल वैकेंसी का हमें नंबर पता है। अब यहाँ पर जो डिसाइड होगा वो इस बेस पर होगा कि कितने टाइम कैंडिडेट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए बुलाया जाएगा। तो वो RRB ने पहले ही डिसाइड कर रखा है, टू टाइम्स आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा PET के लिए, टू टाइम्स बुलाया जाएगा। तो आप बताइए कितने हो सकते हैं आपका जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। जब वैकेंसी 62,907 है तो इसका डबल हो गया आपका 1,26,000 अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेट आपका नंबर आता है 1,26,000। तो पहले हम 1.5 करोड़ को 1,26,000 से डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा एक सीट पर कितनी फाइट हो रही है। चलिए करके देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं 1.5 करोड़ को जब आप 126 से डिवाइड करेंगे या 126 लाख से, ये करोड़ में है, तो एक सीट पर आपके कैंडिडेट बैठ रहे हैं दोस्तों 120 लगभग, यानी ये 119 है और हम 120 मान लेते हैं। 120 स्टूडेंट आपके एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो एक बहुत ही जबरदस्त वाला कंपटीशन है यहाँ पर। और इतने बड़े कंपटीशन में अब जो डिसाइडिंग फैक्टर आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल किस तरह से रहा था, क्योंकि एग्जाम काफी लंबा चला है तो उसके बारे में भी हमें पार्ट से डिसाइड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कैसा एग्जाम था, मिड में कैसा रहा और फिर लास्ट में किस तरह से एग्जाम रहा है। तो चलिए लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का लेवल दोस्तों इजी टू मॉडरेट मींस ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। और इसमें भी हम डिसाइड कर देते हैं कि आपका इजी भी 75% ईजी और मॉडरेट 25, इस रेशो में आपका एग्जाम जो एग्जाम का लेवल था वो सेट रहा था। ये ओवरऑल एक रेशो है जो हमने 51 डेज के जो एग्जाम हैं उनमें से तकरीबन 48 डेज एग्जाम कंडक्ट कर लिए गए हैं, तो उनका एक एवरेज रेशो है। यानी जो एग्जाम का हमने स्टूडेंट से बात की, कोचिंग सेंटर्स पर गए जहाँ से स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे और हमारे कुछ रिसोर्सेज से हमने अलग अलग एरिया वाइज भी ये सर्वे किया है, जिसमें ये पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम है या इंटरनेट से भी हमने जो आपके एग्जाम पेपर है या मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन डाले गए थे उनके बेस पर स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चलता है कि जो एग्जाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। और उसमें भी इजी की जो इजी रेशियो मॉडरेट, इजी में आप मान लीजिए 75 और मॉडरेट में 25 है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहा था ओवरऑल। हो सकता है, मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूँ, हो सकता है कुछ सीटिंग्स में ज़्यादा ईजी रहा और कुछ में मॉडरेट ज़्यादा रहा हो, और हो सकता है कुछ में मिड भी रहा हो, इसलिए मैं आपको ये डिसाइडिंग फैक्टर बता रहा हूँ। तो अब जो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एग्जाम लेवल हमने डिसाइड कर लिया, वैकेंसी डिसाइड कर ली, फाइट किस हिसाब से चल रही है वो भी डिसाइड कर ली। एक और फैक्टर जिसमें डिसाइड करेगा हमारी मेरिट क्या जाएगी, उसमें एक बात और है आपकी ALP की जो मेरिट है, कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट पास कितने हुए हैं। आप मान लीजिए 9 लाख स्टूडेंट, ओवर 9 लाख स्टूडेंट को उन्होंने, जो आपका पहला रिजल्ट डिक्लेयर किया था उनमें उन्होंने 9 लाख स्टूडेंट को क्वालिफाई किया था, और 9 लाख वो अब दोबारा जब रिसफल करने के बाद रिवाइज रिजल्ट देंगे तो उन्होंने 9 टाइम्स ही बुलाया है, जो ALP के लिए है और टेक्नीशियन के लिए 9 टाइम बुलाया, यानी 9 लाख कैंडिडेट तो यहां जाने वाले हैं। और 9 लाख में से आप मानो 69,000 वो स्टूडेंट आपके ALP, आप ये मानकर चलिए कि ये पहले ही आपसे जॉब पा लेंगे, इनको पहले ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इनका थोड़ी स्पीडली वर्क हो रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ा ज़्यादा लंबा चला था, तो ये एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट 20 दिसंबर को आने वाला है। तो 69,000 पीपल यहाँ से आपके कट ऑफ हो जाएंगे। अब ये 69,000 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो पीपल हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम ग्रुप डी और ALP दोनों का दिया होगा। अब ये आपके टॉप स्टूडेंट रहेंगे, ये टॉप स्टूडेंट थे जो आपकी मेरिट को इंक्रीज़ करते, मेरिट को डेफिनेटली इंक्रीज़ करते, कट ऑफ को, ये फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल जो कट ऑफ है उसको इंक्रीज करते। लेकिन अब ये निकल जाएंगे तो स्लाइटली थोड़ा सा डाउन आपका जो कट ऑफ है वो डाउन आएगा, स्लाइटली डाउन कट ऑफ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो आपके टॉप कैंडिडेट थे वो तो ALP की डेफिनेटली ज्वाइन करने वाले हैं, ग्रुप डी और ALP में अगर डिसाइड करेंगे तो ALP ही ज्वाइन करेंगे वो, तो इससे ये एक फैक्टर आपका मेरिट डाउन करने में डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो अब ये सारी बातें हमने करके अब मैं आपको वो एजम्पशन बता रहा हूँ जो इंस्पिरेशनल गुरुजी, ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से हमने तैयार की है, क्या मेरिट रहने वाली है,
कैटेगरी वाइज किस तरह से मेरिट रहने वाली है, और इसमें एक डिसाइडिंग फैक्टर जो मैं आपको बताना भूल गया, प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है, प्रीवियस कट ऑफ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी इसके बारे में। तो हमने कुछ अलग अलग रीजन वाइज ये कट ऑफ देखी है, भी अलग अलग रीजन वाइज क्या कट ऑफ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर एक मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूँ। जनरल की दोस्तों 70 से अबाउ ही मेरिट गई है, 70 प्लस गई है जो प्रीवियस थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरआरबी का एक तो एग्जाम का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ हाई ही रहने की संभावना है, ये मैं आपको यहाँ पहले ही बता देता हूँ। तो क्या रहने वाली है कट ऑफ, चलिए एफिशिएंसी टेस्ट में जाने के लिए, वो रहेगी प्लस माइनस 72, ये आपकी जनरल की बड़ी खबर। फिर उसके बाद में ओबीसी की जो मेरिट रहने वाली है, कट ऑफ रहने वाली है, वो प्लस माइनस 68। फिर उसके बाद में एससी की जो रहने वाली है, ये चौंकाने वाली है थोड़ी सी, एससी और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला इस बार दोस्तों, प्लस माइनस 63। फिर उसके बाद में एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो मेरिट रहने वाली है वो प्लस माइनस 55। इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बार फिर सुन लीजिए, 72 आपकी जनरल की, इसमें एक अंक बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ओबीसी की प्लस माइनस 61, प्लस माइनस मैंने वन का यहाँ पर फैक्टर है, प्लस माइनस यानी एक, एक ज़्यादा हो सकती है एक कम हो सकती है जो मैंने यहाँ बताया है। एससी की 63 और एसटी की 55, ये रहने ही वाली है कट ऑफ, ये कट ऑफ रहने ही वाली है। इसके बाद में चलते हैं हैंडीकैप्स कोटे की तरफ। हैंडीकैप्स में दोस्तों तीन तरह के हैंडीकैप्स, हियरिंग हैंडीकैप्स इनकी तो प्लस माइनस 40, अदर हैंडीकैप्स ये तो और हमेशा की तरह हाई ही जाएगी जो कि तकरीबन 60 के आसपास रहेगा। फिर आपकी फिजिकल हैंडीकैप वो आपका प्लस माइनस 40, यानी हियरिंग और फिजिकल हैंडीकैप तो बिल्कुल इक्वल रहने वाली है, और जो ओएच है उनकी प्लस और माइनस 60 तक जा सकती है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड की हुई कट ऑफ है, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि हर कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो जो ये स्कोर लेके आ रहा है उसको ये कम से कम ये आइडिया तो हो कि ठीक है मैं अगले ईयर में जाने वाला हूँ, वहाँ एग्ज़ाम अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने वाला हूँ, तो वो कुछ और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हमारे साथ बने हुए हैं, तो बने हुए थे, उनके लिए मैंने एक डिसाइडिंग फैक्टर जो आपका कट ऑफ तय करेगा वो आपके साथ डिस्कस किया, और उसके बेस पे हमने कट ऑफ डिसाइड की भी क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसमें कुछ इंटरनल सोर्सेज भी हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि एक विशेषज्ञों की टीम द्वारा बनाए जाते हैं, वो उनका पूरा व्यू मैंने आपके सामने रखा है। तो इसके बेस पे जब भी कट ऑफ डिसाइड हो तो आप इंस्पिरेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जरूर कमेंट करें, लाइक करें कि जी सर आपने जो कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वहीं फिगर जाकर सेट बैठता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा आभार, और इसी तरह YouTube चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारा Facebook लिंक ड्रीम सक्सेसर को वो ही फॉलो करना न भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो।